हेलो दोस्तों, आज हम जो हैं अमरकंटक के शंभूधारा में हैं और आपको पूरा शंभूधारा दिखाने वाले हैं। तो देखिए सबसे दोस्तों, शंभूधारा चारों तरफ घने जंगलों से पूरा जो है घिरा हुआ है। ये कुटिया बने हुए हैं, एक दो, एक उधर है तीन और एक चार पाँच। शंभूधारा नौका विहार, शंभूधारा हम घूमना चाहते हैं तो नाव से जो है घुमाएंगे। ये शंभूधारा दोस्तों बीच जंगलों में है, पूरा नेचुरली पानी जो है इसमें बारह महीने रहता है। जो भी बरसात का पानी होता है पूरा जो है आता है इसी में, ये यही इसी जगह पर रुकता है। ये उधर जो है आगे दिख रहा होगा वो उधर बांध बना दिया गया है ताकि पानी जो है बारह महीने मतलब इसी पर रहे, टिकटिका रहे, मतलब ना सूखे, मतलब बारह महीने पानी जो है बना रहे। इसलिए जो है शंभूधारा जो है हमेशा पहचान में आए, नहीं तो पानी सब पहले चला जाता था। नेचुरली पानी आता रहता है, स्रोत है उसका, लेकिन पानी को ज़्यादा रोक दिया गया है ताकि उधर देख रहे हैं भैंस बैठे हुए हैं, गाय भैंस जो भी यहाँ जानवर हैं, जंगली जानवर वो सारे जो हैं यहाँ के पानी जो है पी सकें। इसलिए बांध बना दिया गया ऊपर, वहाँ दिख रहा होगा वो उधर, वो वहाँ से ऐसे। और ये जगह जगह बैठने के लिए बना दिया गया है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब तो बैठने के लिए बना दिया गया है। साथ ही साथ अभी और इस पर काम चल रहा है। अब इसमें मछली तो है ही, अब इसमें नाव भी है दोस्तों, उधर दिख रहा होगा वो नाव भी है, मतलब घुमाएंगे पूरा इसमें शंभूधारा के लिए। इसमें ये अमरकंटक से 3 किलोमीटर है, अमरकंटक जो नर्मदा मंदिर है उससे 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है शंभूधारा। कपिलधारा आप गए होंगे, दूधधारा गए होंगे, लेकिन ये है शंभूधारा, इसको कहते हैं ये है शंभूधारा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना, वीडियो को लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।